नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पत्थर से कुचल कर की थी हत्या, पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कटघर पुलिस ने हत्या कर फरार होने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त द्वारा कुछ दिन पहले एक पुजारी के सर पर पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद अभियुक्त ने पुजारी के शव को नदी किनारे झाड़ियों के नीचे फेंक दिया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पुजारी द्वारा जो दान आता था उससे वह नशीला सामान मंगा कर नशा करते थे। जब दूसरे शख्स ने उसे नशा करने की सामग्री मांगी तो पुजारी ने उसे देने से मना कर दिया, जिससे आक्रोश में आकर अभियुक्त ने ऐसा कदम उठाया और पुजारी की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। खास रिपोर्ट फरमान हुसैन के साथ। और 3 की रात्रि में थाना कटघर में एक व्यक्ति जो जिनका नाम श्यामलाल सैनी पुत्र भागीरथ सैनी था, इनकी जो डेड बॉडी है वो झाड़ियों में मिली थी मंदिर के पास में। तो इसी पे जो बाजी की तैयारी है उसमें मुकदमा इसमें लिखा गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और थाना कटघर की टीम और हमारे क्षेत्राधिकारी कटघर एसपी सिटी के नेतृत्व में सिटी में लगातार इस पर काम कर रही थी और कुछ लोगों को जो संदिग्ध थे उनको पूछताछ के लिए इसमें लाया गया था। उसी में से एक व्यक्ति हैं बिक्की पुत्र महेंद्र सिंह निवासी फलमंडी सूरजनगर पीतल बस्ती के रहने वाले हैं। और इनसे इनका अक्सर जो श्यामलाल सैनी उनके साथ में उठना बैठना था और ये मंदिर के पास में ही अक्सर रहते थे। इनसे सख्ती से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा इस घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है। और इन्होंने जानकारी दिया है कि ये अक्सर मंदिर के बाहर रहते थे और वहाँ पर जो शराब और जो फल फ्रूट्स वहाँ पर जो मंदिर में चढ़ाए जाते थे उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे और कई बार इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी भी होती थी। और ये दोनों नशा भी करते थे, शराब का और जो सुल्फा पीने का। तो इसी में उस दिन जो घटना के दिन ये लोगों ने पहले शराब पिया और उसके बाद में ये मंदिर के पास में सो रहा था तो इसने इससे सुल्फा पीने के लिए मांगा और उसने नहीं दिया। इसी पे गुस्सा होके इसने पास में एक फल पड़े हुए जो पत्थर था, एक पत्थर का टुकड़ा, उससे इसके सिर पर मार के इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में इसको वहाँ से घसीट के झाड़ियों में इसकी डेड बॉडी उसको छुपा दिया। उसके बाद में घर जाके सो गया। तो इस तरीके से आज इसकी बिक्की पुत्र महेंद्र की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। कोई आपराधिक इतिहास इसका? पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, बाकी जानकारी की जा रही है। थैंक यू। अपराधी है जो अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी 2015 में थाना कटघर से 377 और 3/4 पोक्सो एक्ट में जेल भी गए हैं और इनकी अभी जो मुकदमा है वो ट्रायल पर चल रहा है। थैंक यू।